वालेकुम दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे एग्ज़ाम्पल एंड 10.4 टेन पॉइंट फोर पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल टेन पॉइंट फोर फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट टेन पॉइंट फोर एग्ज़ाम्पल टेन पॉइंट फोर जो है इट इज़ अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इट सेज दैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास हंड्रेड ग्राम डेड हीज़ बीन पुल्ड टू एन एंगल ऑफ़ टेन डिग्री फ्रॉम फ्राम वर्टिकल ये कहता है कि एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम में बॉब का जो मास है वो हंड्रेड ग्राम है और उसको एक को पोजिशन से यानी कि यहाँ से पुल किया गया है एट ए एंगल ऑफ टेन डिग्री तो जब यह पेंडोलम यहाँ पे आता है तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करता है उस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है तो रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिखता हूँ गिवन डाटा में हमें दिया गया है मास विच इज़ इक्वल टू हंड्रेड ग्राम और इस हंड्रेड ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है इंटू किलोग्राम तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड करना है बाई वन थाउजेंड तो जब हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 किलोग्राम दूसरा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेरीशन है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन जो है वो अंडरस्टूड है अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसकी एक्सेलेशन जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन होती है और वो एक्सेलेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी और तीसरा जो हमें दिया गया है वो एंगल है विच इज़ इक्वल टू टेन डिग्री ये हमारे पास की वन डाटा है अब मैं लिखता हूँ जो हमसे रिक्वायर्ड है जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है रिस्टोरिंग फोर्स हमने रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करना है तो रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं इस फिगर को यानी कि सिंपल पेंडोलम है और इस सिंपल पेंडोलम को डिसप्लेस किया है एट एंगल टेन डिग्री सेंटीग्रेड तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है विच प्रोवाइड्स दी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अगर हम देखें जब पेंडुलम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे दो फोर्सेस अमल करती है एक फोर्स जो है वो टेंशन द स्ट्रिंग है अपवर्ड है और दूसरी फोर्स जो है वो वेट ऑफ द बॉब है विच इज़ डाउनवर्ड तो ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है बॉब जो है वो मूव कर रहा है टोर्ड्स दी मेन पोजिशन और फोर्सेज जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है तो इसी वजह से हमने इस वेट को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो जब हम इस वेट को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो उसका एक कंपोनेंट ये बन रहा है और दूसरा कंपोनेंट ये बन रहा है अगर हम इस कंपोनेंट को देखें दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू एम जी थीटा ये कैसे एम जी कॉस ईटा के बराबर है इसको हमने पिछले लेक्चर में यानी सिंपल पेंडुलम का लेक्चर जो है इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि ये कंपोनेंट कैसे एम जी कॉस के बराबर है और ये कंपोनेंट जो है ये एम जी साइन डिटा के बराबर है ये भी हमने डिस्कस किया है अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देखें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए तो यहाँ पे ये एम जी कॉस डिटा जो है ये बिल्कुल टेंशन स्ट्रिंग के बिल्कुल अपोज़िट है मिग्निट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो लिहाजा ये टेंशन स्ट्रिंग विच इज़ अपवर्ड और ये कंपोनेंट एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो ये जो एम जी साइन तीटा है दिस इज़ रिस्पांसिबल फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स इट प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स तो लिहाजा इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि एफ आर यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू तो एम जी साइन तीटा और यहाँ पे हम माइनस साइन भी लगाते हैं माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं इसको भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में तो यहाँ पे हम वैल्यू पोट करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम जो है वो ज़ीरो पॉइंट वन किलोग्राम है जी जो है दिस इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और साइन थीटा जो है वो टेन डिग्री है तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ़ आर जो है दिस इज़ इक्वल टू माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन एट इंटू साइन टेन डिग्री की वैल्यू जो है हमारे पास वो इक्वल है ज़ीरो पॉइंट वन सेवन तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर जो है ये इक्वल हो जाता है माइनस ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन न्यूटन तो यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टूअर्ड दी मेन पोजिशन तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि एफ आर जो है यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन न्यूटन है तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन न्यूटन होगी तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट टेन पॉइंट फोर असाइमेंट टेन पॉइंट फोर जो है इट इज़ अबाउट द कैलकुलेटिंग एंगल यानी इसमें हमने एंगल को कैलकुलेट करना है इट सेज दैट एट वट एंगल मस्ट ए पेंडोलम बी डिस टू क्रिएट ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ फोर न्यूटन ऑन द बॉब विद द मास ऑफ फाइव हंड्रेड ग्राम यह कहता है कि हमने इस पेंडोलम को कितने एंगल पर डिस्प्लेस करना है जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड फोर न्यूटन है वो प्रोड्यूस हो जाए और इस बॉब की जो मास है वो फाइव हंड्रेड ग्राम है यानी इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है ये एंगल कितना होना चाहिए कि फोर न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाए तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ गिवन डेटा में हमें दिया गया है रिस्टोरिंग फोर्स विच इज़ इक्वल टू फोर न्यूटन और मास ऑफ बाब जो है वो 500 ग्राम है इस 500 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 पे डिवाइड करना है तो जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो किलोग्राम और तीसरा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है विच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास गिवन डाटा है अब मैं लिखता हूँ जो हमसे रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एंगल थीटा यानी एंगल को हमने फाइंड आउट करना है तो दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल टेन पॉइंट फोर में हमने जो इक्वेशन यूज की थी कि रिस्टोरिंग फोर्स के लिए इक्वेशन है एफ आर जो है दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो इस इक्वेशन के थ्रू हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए कि माइनस साइन जस्ट शोज दैट रिस्टोरिंग फोर्स एड एंगल थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर तो हम इसके थ्रू एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसी क्वेश्चन को मैं यूँ लिखता हूँ कि साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एम जी तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ साइन थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो फोर न्यूटन है और मास जो है वो इक्वल है जीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम के और जी की वैल्यू जो है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दिस विल बिकम इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट नाइन तो जब मैं फोर को फोर पॉइंट नाइन पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट एट वन सिक्स तो मतलब यह है कि साइन थीटा जो है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट एट वन सिक्स तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू ज़ीरो पॉइंट एट वन सिक्स तो यह हो जाएगा तो दोस्तों साइन इनवर्स जीरो पॉइंट एट वन सिक्स जो है दिस इज इक्वल टू 54.6 डिग्री तो लिहाजा जब हम इस पेंडुलम को 64.6 डिग्री पे ले जाए तो तब रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगी वो फोर न्यूटन होगी तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है तो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी एग्जांपल एंड असाइनमेंट 10.4। थैंक यू